हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द एडल्ट्रेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशंस। इन दिस लेक्चर वी विल डील विद हाउ वी कैन इवैल्यूएट और आइडेंटिफाई दैट अ पार्टिकुलर नेचुरल ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स इज एडल्ट्रेटेड और नॉट। इफ एडल्ट्रेटेड देन हाउ मच इज इट एडल्ट्रेटेड। तो इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि जो भी हमने एडल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, यानी कि जितने भी टाइप्स के एडल्ट्रेशन थे, हम कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट ले रखा है, हमारा जो भी क्रूड ड्रग है, क्रूड प्रोडक्ट है, क्या वो एडल्ट्रेटेड है या नहीं। अगर एडल्ट्रेटेड है तो किस तरह से और कितना अमाउंट उसमें एडल्ट्रेशन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। हाउ वी कैन इवैल्यूएट अवर क्रूड ड्रग्स दैट इट इज़ एडल्ट्रेटेड और नॉट। ओके, सो फर्स्ट है ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन यानी कि हम पहले तो हम उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्रूड ड्रग है, प्रोडक्ट है, वो क्या एडल्ट्रेटेड है या फिर नहीं है। ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन मीन्स थ्रू स्टडी द ड्रग्स यूजिंग ऑर्गेन्स ऑफ द सेंसेस, यानी कि ड्रग्स की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अवर सेंस ऑर्गेन्स, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अपने सेंस से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बेस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे। इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ एनालिसिस, लाइक जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच एंड द टेक्सचर। ओके, सो टच और टेक्सचर, यानी कि टच करने में कई सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है टेक्सचर हम टेस्ट करते हैं और हमें टेक्सचर देख के भी पता लग जाता है। ओके, कुछ हमारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारा बार्क होता है पार्ट ऑफ ड्रग, यानी कि बार्क भी हमारा क्या है, एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। तो बार्क, जैसे कि कुर्ची का बार्क यूज़ किया जाता है, हम कई बार देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने क्रूड ड्रग में बार्क यूज़ किया है या लीव्स यूज़ किया है। अंडरग्राउंड, जैसे कि हमारे टर्मेरिक, जिंजर होते हैं, ये हमारे क्या हैं, हमारे बेसिकली यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं क्रूड ड्रग्स की तरह। ओके, लीव्स, जैसे लीव्स हमारी डिजिटलिस की लीव्स यूज़ की जाती हैं। फ्लोवर्स किसके होते हैं, सैफरिन के होते हैं। फ्रूट्स किसके होते हैं, फेनल। ओके, सीड्स के एग्जांपल हैं नक्स वोमिका। रेजिन हमारा क्या होता है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जो गमी पार्ट होता है, जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है एसाफोइटिडा यानी कि हिंग। ओके, वुड हमारा सैंडल वुड हो गया, ये भी एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। गम, अकेशिया गम होता है। एंटायर ड्रग जैसे कि आर्गर्ड। ओके, अब हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशंस हैं। फर्स्ट है टेस्ट, यानी कि एसिडिक। कई बार हमारा जो, अगर हमारा प्रोडक्ट जो भी ड्रग है वो एसिडिक होगा तो वो सोल टेस्ट देगा। ओके, नेचुरल एसिडिक होगा, ये नहीं कि हाईली एसिडिक कंटेंट हम उसे टेस्ट कर लें, ऐसा नहीं होता। जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हें हम कई बार टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो एसिडिक होगा तो वो सोर इन नेचर होगा, यानी खट्टा लगेगा। ओके, टेस्ट में सैक्रीन है तो स्वीट होगा। इंडिकेट सुगर और द सुगर लाइक सब्सटेंस, जैसे कि लिक्वोराइस मोलेटी होती है, उसमें सुगर प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो स्वीट टेस्ट आता है उससे। ओके, सलाइन हो गया, सॉल्टी टेस्ट आता है। अल्कलाइन बिटर टेस्ट, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस सच एज अ बिटर प्रिंसिपल, एग्जांपल इज द ग्लाइकोसाइड एंड द अल्कलॉइड। जिन भी क्रूड ड्रग्स में अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स होंगे, जनरली वो हमारे ड्रग्स क्या होंगे, बिटर इन नेचर होंगे। ओके, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ टेस्टलेस होते हैं। डिस्टिंक्टिव सेंसेशन टू द टंग, कई बार अलग अलग टंग के अकॉर्डिंग भी टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, म्यूसिलेजनस एंड द ऑयली सॉफ्ट फीलिंग। अब हम क्या करेंगे, हम टच के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो म्यूसिलेजनस और ऑयली हमारे क्रूड ड्रग्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट फीलिंग देंगे जब हम उन्हें टच करेंगे। जैसे कि लिंसेड से हमें ऑयल मिलता है, लिंसेड ऑयल हम यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग। एस्ट्रिंजेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टैनिन, अगर हमने क्या किया, कोई भी ऐसा क्रूड ड्रग टेस्ट किया जिसका टेस्ट कैसा आ रहा है, एस्ट्रिंजेंट आ रहा है। एस्ट्रिंजेंट यानी कि कुछ अजीब सा। अगर हम बात करें पोटाशियम को आपने खाया होगा, थोड़ा घर में जो आता है
फिटकरी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टैनिन प्रेजेंट होता है और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट से हमें ये पता लग सकता है कि हमारे ड्रग में टैनिन कितना है और किस अमाउंट में है। ओके, पंजेंट पंजेंट यानी कि कुछ अजीब सी स्मेल आती है, वार्म बिटिंग सेंसेशन होती है जैसे कि जिंजर। ओके, उसके बाद है एक्रिड। एक्रिड क्या होता है, इरिटेंट सेंसेशन होता है, यानी एक्रिड कुछ अजीब सा ही इरिटेटिव सेंसेशन देगा जैसे कि हमारे एकोनाइट कोका में प्रेजेंट होता है। ओके, नॉजियस। नॉजियस दो स्टैंडिंग टू एक्साइट वॉमिटिंग। कुछ ऐसे भी हमारे ड्रग्स होते हैं जो वॉमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो उनकी स्मेल्स होती हैं वो बहुत ही नॉजियस होती हैं, गंदी होती हैं। ओके, मतलब कि वो वॉमिटिंग कॉज कर सकती हैं। तो जैसे कि हमारा आईपीगेक जो कि एज अ एंटी सॉरी एमेटिक एजेंट यूज़ किया जाता है। ओके, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर जैसे कि हमारा एरोमेटिक इन नेचर कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं वो कैसा ऑर्डर देते हैं, वो एरोमेटिक ऑर्डर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का मतलब होता है कई बार हम कई सारी चीज़ों को फील तो कर सकते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी ऐसा ऑर्डर जिसे हम फील तो कर पा रहे हैं लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह का ऑर्डर होगा। ओके, बल्सैमिक, स्पाइसी, अनप्लीजेंट, आपने खुद ही इन चीज़ों को फील किया होगा, स्पाइसी यानी मसाले की खुशबू आना। ओके, अनप्लीजेंट यानी कुछ ऐसे हमारे ऑर्डर होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। ओके, कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग्स जैसे कि वाइट स्टार्च होता है हमारा। ओके, कलर के बेस पे अगर हम बात करें तो स्टार्च अगर उसमें अडल्ट्रेशन किया जाता है, कई बार स्टार्च को अडल्ट्रेटेड किया जाता है किसके साथ, जिंजर पाउडर के साथ। ओके, तो ऐसा होता है कि स्टार्च वाइट इन कलर होता है बट उसमें थोड़ा सा कलरिंग करके जिंजर के पाउडर में मिक्स कर दिया जाता है। इसलिए ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन एक हमारा ऐसा इवैल्यूएशन पैरामीटर नहीं कह सकते जिससे हम कंफर्म हो जाए कि हमारा ड्रग है वो एडल्ट्रेटेड है या नहीं, बट एक पैरामीटर लेके चलते हैं हम बेसिक से। उसके बाद हम आगे भी जाएंगे जो हमारा बहुत ही टिपिकल होगा, लास्ट फाइनल होगा, जिसके बेस पे हम ये कह सकेंगे कि हमारा ड्रग है वो एडल्ट्रेटेड है या फिर नहीं है। पेल येलो। पेल येलो यानी कि हमारा जिंजर हो गया, जिंजर हमारा पेल येलो इन नेचर होगा। डीप येलो। डीप येलो किसका होता है, पीड लिक्वराइज मलेटी होती है उसकी, उसका जो कलर होता है वो डीप येलो होता है। लाइट पेल ब्राउन किसका होता है, फेनल का होगा। डार्क ब्राउन किसका होता है, आपने देखा होगा क्लोव बर्ड्स के। डार्क रेडिस ब्राउन होगा, सिंकोना बाग। ओके, रेड 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 कलर किसका होता है, सिनामन। सिनामन ओके, एंड पेल ग्रीन। पेल ग्रीन लोबेलिया। ग्रीनिस ब्राउन किसका होगा, मोस्ट ऑफ द लीफ हर्ब्स। ओके, नेक्स्ट शेप एंड साइज के बेस पे भी हम कई बार कुछ ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम फ्लावर्स की बात करें, फ्लोरल पार्ट जैसे कि स्टिग्मा, कोरोलास, एंथर, ओवेरी, रिसेप्टिकल्स, लीव्स एंड द लीफलेट्स जैसे कि हमारे लेंथ, विड्थ, एपेक्स, मार्जिन, बेस, वेनेशन, टेक्सचर ऑफ द लीफ, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक लीफ किस चीज़ का है। ओके, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ देख के, उसका एपेक्स, मार्जिन, बेस देख के, विनेशन यानी विंस पैटर्न देख के। ओके, उसका टेक्सचर क्या है, हेयर्स, उसके जो लिप्स के ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं उनके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पार्टिकुलर लिप्स किस प्लांट का है। ओके, उसका अपर लोअर सरफेस, द फील ऑफ द सरफेस डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्ट, हेयरी, स्मूथ। ओके, उसे फील भी कर लेते हैं हम कई बार, सॉफ्ट, हेयरी, स्मूथ होते हैं। बार्क की बात करें, द बार्क अकर्स इन थ्री शेप। जो बार्क होता है वो थ्री शेप में होता है, फ्लैट और कर्व्ड पीसेस जैसे कि सिंगल क्विल, डबल क्विल। ओके, बार्क हैव टू सरफेसेस एंड आउटर एंड द इनर। बार्क के दो सरफेस होंगे, आउटर एंड द इनर। द इनर सरफेस इज यूजुअली लाइटर इन कलर। जो इनर सरफेस होगा हमारे बार्क का वो लाइटर कलर होता है एज कम्पेयर टू द आउटर सरफेस। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग इवेल्यूशन। इन दिस लेक्चर वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्यूशन। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड ऑल्सो, एंड प्लीज इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो।